यूं तो भारत में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन हम आज भारत के 10 अमीर व्यक्ति की बात करेंगे जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर आज अरबों लोगों की जरूरत पूरी कर अरबपति बन चुके हैं। नुस्ली वाडिया वाडिया ग्रुप के चेयरमैन हैं। इनकी कंपनियों के समूह में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, बॉम्बे डाइंग और एयरलाइन गो एयर जैसे कुछ बड़े नाम शामिल हैं। इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो 6.4 अरब डॉलर है, जो इन्हें भारत का 10वां और दुनिया का 209वां नंबर का अमीर व्यक्ति बनाता है। दिलीप सांघवी चौथे सबसे बड़े जेनरिक दवाइयों के सप्लायर हैं। 1983 में अपने पिता से 10,000 रुपए उधार लेकर सन फार्मा कंपनी की शुरुआत की थी, जो आज कई लाख करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है। 2015 में सबसे धनी भारतीय बने थे और इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो 7.6 अरब डॉलर इनकी नेटवर्थ है। इन्हें भारत का 9वां और दुनिया का 191वें नंबर का अमीर व्यक्ति बनाता है। गौतम अडानी भारत में बहुत तेजी से अरबपति होने वालों में से एक है। गौतम अडानी इनका बिजनेस का मायाजाल बहुत बड़ा है। इंडिया का नंबर 1 फॉर्च्यून ऑयल इनका है। इंडिया लार्जेस्ट पोर्ट जिनमें इनके 10 प्राइवेट पोर्ट है। मुद्रा पोर्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सोलर पावर प्लांट इनका है। इंडिया का लार्जेस्ट सीएनजी पंप इनका है। स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल मैनी मोर। इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ है 8.7 अरब डॉलर, जो इन्हें इंडिया का 8वां और दुनिया का 167वां अमीर व्यक्ति बनाता है। साइरस पूनावाला साइरस पूनावाला ने सस्ती वैक्सीन बनाकर करोड़ों लोगों की जान बचाई है। आज इनकी वजह से ही वैक्सीन आज लग्जरी चीज ना होकर आम लोगों के पहुंच में आ गई है। ये वैक्सीन अपने देश में नहीं बल्कि 140 देशों में भी एक्सपोर्ट की जाती है। विश्व भर में ये अपनी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक बड़ी कंपनी के रूप में स्थापित कर चुके हैं और इनकी कंपनी डायफ्थीरिया, टेटनेस, पर्टिसेस, HIV, BCG, R, हेपेटाइटिस बी, मेजल्स, मम्स और रोबेला जैसी बीमारियों की सबसे अधिक वैक्सीन बनाती है। 2005 में भारत सरकार द्वारा मेडिकल क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। अगर बात करें इनकी नेटवर्थ की तो 9.5 अरब डॉलर है, जो इन्हें भारत का 7वां और दुनिया का 147वां अमीर व्यक्ति बनाता है। कुमार बिल्ला राधा कृष्ण दामनी एंड फैमिली इनकी नेटवर्थ 11.1 अरब डॉलर है, जो भारत का 6वां तथा दुनिया का 122वां अमीर व्यक्ति बनाता है। इनकी आदित्य बिरला ग्रुप भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। आइडिया 4G इन्हीं का है। इन्होंने 14 इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन किया है, जैसे एलन सोले, वैन हैसन, पैंटालूंस एंड अल्ट्राटेक सीमेंट एंड मैनी मोर। उदय कोटक हिंदी मीडियम से पढ़े और दोस्तों से उधार लेकर खड़ा किया है उदय कोटक बिजनेस वर्ल्ड। जीरो से हीरो बनने वाले टाइकून है ये। उदय के संघर्ष और सफलता को नजदीक से देखने वाले लोग इनके बारे में कहते हैं, जिन्होंने उदय पर भरोसा किया है आज वो अमीर बन चुके हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक सिक्योरिटी, कोटक म्यूचुअल फंड जैसे कई बिजनेस अपने दम पर खड़ा किया है। इनकी नेटवर्थ 11.8 अरब डॉलर है, जो इंडिया का 5वां और दुनिया का 114th नंबर का अमीर व्यक्ति बनाता है। लक्ष्मी मित्तल राजस्थान के एक छोटे से गांव में जन्मे एक भारतीय उद्योगपति और दुनिया के सबसे बड़े स्टील उत्पादक कंपनी आर्सेलर मित्तल की CEO और चेयरमैन है। हालांकि ये UK में रहते हैं, पर इन्होंने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है। 2007 में यूरोप का सबसे अमीर हिंदू कहा गया है इन्हें। इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो 13.6 अरब डॉलर है, जो इन्हें भारत का 4था और दुनिया का 91 नंबर का अमीर व्यक्ति बनाता है। शिव नादर SCL कंप्यूटर्स एक कंपनी जिसने भारत के लोगों का कंप्यूटर खरीदने का सपना ही साकार कर दिया। एक छोटे से गांव से आने वाले शिव नादर की कहानी आज भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के क्षेत्र में अपनी जगह बना चुका है। जब कंप्यूटर महंगे आते थे तब इस भारतीय कंपनी ने अपने दम पर लोगों को सस्ता और बेहतरीन कंप्यूटर उपलब्ध कराया। इनकी नेटवर्थ 14.6 अरब डॉलर है, जो इन्हें भारत का 3रा और दुनिया का 22वां अमीर व्यक्ति बनाता है। आजिम प्रेमजी आजिम हाशमी प्रेमजी एक भारतीय उद्योगपति, निवेशक और मानव प्रेमी है। अपने दानवीर प्रवृत्ति के कारण इन्हें भारत का बिल गेट्स कहा जाता है। मंदी के दिनों में इन्होंने विप्रो संभाला और आज पूरे विश्व में इसकी अलग पहचान बना दी। IBM के भारत से चले जाने के बाद
इन्होंने भारत में आईटी क्षेत्र में विकास करने की ठानी और अपने साबुन बनाने वाली कंपनी को सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो में बदल दिया। इनकी नेटवर्थ 22.6 अरब डॉलर है, जो इन्हें भारत का दूसरा और दुनिया का 36वां अमीर व्यक्ति बनाता है। मुकेश अंबानी, इनको कौन नहीं जानता है, इनका नाम ही इनका पहचान है। मुकेश अंबानी भारत के सबसे बड़े उद्योगपति और देश में सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अंबानी के रिलायंस जियो ने भारत में इंटरनेट के प्रयोग की दिशा और दशा दोनों ही बदल कर रख दी। अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो 50 अरब डॉलर इनकी नेटवर्थ, जो इन्हें भारत का पहला सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया का 13वां अमीर व्यक्ति बनाता है। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगी, इन सब की फील्ड अलग थी और इन्होंने अपने फील्ड में अपना बेस्ट दिया, जिसकी वजह से आज ये इस मुकाम पर है। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करिएगा लाइक, वीडियो अगर पसंद नहीं आई है तो वीडियो को कर दीजिएगा डिसलाइक। हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय।